हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हनीकॉम स्टिच। ये मेरे चैनल पर पहले से है ये वाला डिज़ाइन, लेकिन वो दूसरे तरीके से बनाया है। ये मैंने दूसरे तरीके से बनाया। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये डिज़ाइन सही से नहीं बन पा रहा है किसी किसी से, तो आज मैं इसका दूसरा तरीका बनाने का बताऊँगी ताकि आप इसको डाल सकें। देखिए, एक तरीका तो मैं पहले बता चुकी हूँ, आज मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगी। इसको हमें उल्टी सिलाई से शुरू करना है। ये देखिए, यहाँ ये उल्टी सिलाई है, ये हमारी सीधी है। अब हम इसे शुरू करेंगे। उल्टी सिलाई है लेकिन हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ताकि सीधी तरफ ये जो लाइन है सीधी तरफ आए। इस सिलाई को हमें पूरा सीधा बुनना है। ये देखिए, ये पूरी ये उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। ये देखिए, अब हम इसको डिजाइन देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक फंदा बिना बुना ले लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा हमें यहाँ से बुनना है। देखिए, ये इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा हमें यहाँ से बुनना है। ये जो पिछले सिलाई वाला फंदा होता है, ये इसको बुनना है। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा बीच से बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। फिर एक सीधा और एक बीच से बुनेंगे, फिर एक सीधा फंदा। अब हम इसकी उल्टी सिलाई पर आ गए। पहली सिलाई तो हमने जो बुनी उल्टी तरफ से, वो पूरी सीधी बुनी, लेकिन अब हम डिजाइन बनाएंगे। एक फंदा बिना बुना ले लेंगे और ये वाला फंदा जो हमने बीच में से चीर के बुना था, नीचे वाला फंदा लेके बुना था, इसको हम यहाँ से, ये देखिए ये धागा दिख रहा है, इसको हम जब इस तरह से उठाएंगे, ऐसे करिए आप, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये वाला फंदा देखिए, तो हम इस फंदे को लेंगे और साथ में ये वाला फंदा लेंगे, इसको बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए, वैसे तो ये देखिए, ये यहाँ से आ जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से करिए, ये फंदा ऊपर आ जाएगा, ये वाला धागा, इसको इसके साथ लीजिए और यहाँ बुनिए। फिर एक फंदा सीधा, फिर इसको यहाँ से ऐसे लेंगे, ये वाला धागा इसके साथ लेंगे और इसको बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, ये देखिए इस तरह से करेंगे हम इसे, तो ये धागा अलग हो जाएगा और उसके साथ ही इस फंदे को लेना है। ये दो सिलाई हो गई है हमारी। अब हम तीसरी सिलाई पर आते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और इसका हमने पहला फंदा बुना था, इस बार हम इसको बीच से लेंगे। और अगर आपको ये देखने में परेशानी हो कि हमें कौन सा फंदा पिछली सिलाई में बुना था, तो आप ये देखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है, एक ये मोटा आ रहा है तो एक ये बारीक आ रहा है, एक ये मोटा है एक बारीक है। जो ये मोटा दिख रहा है इसको हमें बुनना नहीं है, इसको हमें बुनना है, और जो ये बारीक दिख रहा है इसको हमें बीच में से बुनना है, यहाँ से। ये देखिए, इसको हम बीच से बुनेंगे, इसको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे,
इसको बीच से बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये जो बारीक ये दिख रहा है फंदा, इसको हम बीच से बुनेंगे यहाँ से। इसी तरह से पूरी सिलाई करेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए। इस सिलाई पे हमें फिर वही करना है। ये देखिए, पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, और जो फंदा हमने बीच से बुना था उसका ये वाला फंदा उठाएंगे यहाँ से। एक फंदा सीधा, फिर ये बीच वाला फंदा, फिर ये यहाँ ये वाला फंदा। ये फंदा अपने आप ही उठता चला जाएगा। अगर किसी किसी फंदे में नहीं उठता है तो आप वही तरीका अपनाइए, ये इस तरह से करिए तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला फंदा यहाँ से बुनेंगे, एक फंदा सीधा, और यही डिजाइन हमें हर बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए, ये वाला डिजाइन जो है, कई बार क्या होता है कि हमने जो डिजाइन डालना शुरू करते हैं, ज्यादातर डिजाइन ऐसे ही होते हैं कि चार सिलाई या छह सिलाई हमने बुनी और उसके बाद ये डिजाइन दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये वाला डिजाइन कम से कम आप 8 सिलाई 10 सिलाई बुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये डिजाइन कौन सा है। ये देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में जो मेथड बताया वो भी और ये भी, कम से कम 8 से 10 सिलाई आप बुने और उसके बाद देखें कि डिजाइन कैसा आ रहा है। ये देखिए, मैंने 4 सिलाई बुन ली है लेकिन अभी भी ये डिजाइन क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, क्योंकि ये डिजाइन शुरू से दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप सबसे पहले 8-10 सिलाई बुने इस डिजाइन की, तब आपको ये डिजाइन समझ आएगा। उम्मीद है आपको ये डिजाइन समझ आ गया होगा। ये देखिए, डिजाइन बनने के बाद बिल्कुल एक जैसा लगेगा ये, लेकिन मेथड मेरी पिछली वीडियो में और इसमें दोनों में बिल्कुल अलग है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।